अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सर। कैसे हैं? तबीयत ठीक है जी? तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आज बुलवाया है आपने, माँ जी आप तीन चार बार गई हैं मेरे पास जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम राशन हमारे करने छूटते तमाम पूरी करते हैं। कितने पैसे देते हैं? ये 200 200 एक दिन का। आपके बच्चे कितने हैं? चार बच्चे हैं। अच्छा जी, माह रमजान में रोजे रखते हैं? जी सारा माह रमजान, सारा माह रमजान रोजे रखते हैं। आप भी रखते हैं माशाल्लाह। अच्छा माँ जी, यहाँ पर कितने घर हैं? यहाँ पर जी कितने घर हैं? यहाँ पर इतना कितने घर हैं? 8-10, 7-8। अच्छा जी, तो आप बताएं माँ जी, आप क्या काम करती हैं? ये गन्ने छिलेनिया जी, निक्चा बच्चा भेन वेनी आना पाजिया छिलो गन्ने कपेनिया सारी दी माँ। और कमांड मौक है, मजदूरी है, करना बच्चा दुखी है, घर वाला दुखी है। आपके हस्बैंड को क्या मसला है? आप मैं किधर काम नहीं, आप घर जरा घर वाला है, दिल दा मरीज। अच्छा जी, हां दिल दा मरीज, आपका मरीज फाइल ही बनी। अच्छा जी, हां सारा कोई गरीब। तो आप क्या कहना चाहेंगी? आप नला वाले जी, राशन बच्चों के कपड़े, राशन और वाटर पंप जी। आपकी इस विलेज में कितने वाटर पंप मौजूद हैं? इतना कितने नलके हैं? अगर कितना नलके हैं? तंगी है, उंदे नलके दो बाहर, उंदे नलके दो बाहर। चलो सब नलके मिले वे सन किराम। तो आज मैं मौजूद हूँ अपनी इन माओं के पास, इन बहनों के पास, जिनका ताल्लुक है गरीब खानदान से। जैसा कि आपको मालूम है, माह रमज़ान की आमद आमद है, अल्हम्दुलिल्लाह माह मुबारक बहुत करीब है माह रमज़ान। तो अल्लाह पाक हमें पूरा माह रमज़ान इबादत करने में, इबादत करने की और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इन बहनों ने, इन माओं ने बुलवाया है। इनकी यही रिक्वेस्ट है जो पहले बता चुकी हैं कि हमें माह रमज़ान में राशन दिया जाए। हमारा ताल्लुक है गरीब ख़ानदान से। आप ये देख सकते हैं इनके जो घर के हालात हैं, मकान ना की चार दीवारियाँ हैं। बेचारी सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, कमान की छिलाई करते हैं। जहाँ भी इनको मजदूरी मिल जाती है तो ये वहाँ पहुँच जाती हैं अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के लिए रोजी ढूंढने के लिए। तो मेरी इन तमाम माओ की बहनों की अपील है, रिक्वेस्ट है, हमें वाटर पम्प मिले जाएँ माह रमज़ान में। रोजे के लिए सहरी और अफ्तारी के लिए थोड़ा मुश्किल होती है, पानी की तंगी होती है। और राशन दिया जाए ताकि हम पूरा माह रमज़ान अल्लाह पाक की इबादत कर सकें और रोज़े रख सकें, सहरी और अफ्तारी अच्छे तरीके से कर सकें। तो मैं इस माह मुबारक रमज़ान शरीफ के सबके इन अपनी माओ के लिए, इन बहनों के लिए, अपने तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो को राशन की ज़रूरत है ताकि हम माह रमज़ान में रोज़े रख सकें। ये बेचारे रोज़े रखेंगे आपके दिए हुए राशन से, तो आप लोगों को दुआओं में याद करते रहेंगे, आप लोगों के लिए ये दुआ करते रहेंगे। और इनका कोई रोज़ी का वसाइल नहीं है, पहले ये कमाद की छिलई करते थे, कर्शन का जब सीज़न था वहाँ पे छिलई करते थे। तमाम मेरी माएँ बहनें जो खड़ी हैं, मजदूर तबका हैं, मेहनतदार लोग हैं, मजदूरी करते हैं, उनको जो उजरत मिलती थी 150 या 200 रुपये, अब वो कर्शन का सीज़न भी ख़त्म हो चुका है। इनके लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है कि आगे माह रमज़ान है, माह रमज़ान में रोज़े भी रखने हैं। तो आप सभी रोज़े रखते हैं ना? जी हां। अच्छा, मुकम्मल रोज़े रखते हैं। तो इंशाल्लाह आपने दुआ में याद रखना है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए वसीला बनाएगा। इंशाल्लाह आपने रोज़े रखने हैं, हमें भी दुआ में याद रखना है। तो मैं फिर एक बार अपील करता हूँ अपनी इन तमाम माओ बहनों के लिए, राशन की ज़रूरत है, माह रमज़ान में इनको राशन दिया जाए ताकि ये रोज़े रख के आसानी से अपनी सहरी और अफ्तारी कर सकें और आप लोगों को ये दुआएं देते रहेंगे इंशाल्लाह। गरीब दा पानी की ते बड़ी मुश्किल होती है, माह रमजान है, सो देखा राशन पानी मिला वने, बच्चे ने कपड़े मिले वने, गरीब है पानी दी रोंग तंगी, मजदूरी होन काए नी, गन्ने मोगन मजदूरी। तो आप मजदूरी नहीं मिलती आपको? मजदूरी नहीं मिलती। अच्छा जी, आपको राशन दिया जाए माह रमजान के लिए। तो मेरी अपील है, माह रमजान की ते राशन मिला वने, रोजे रख दे निके निके बच्चे।